Assalamu alaikum and welcome once again to Peshawar leg of KP Super Hockey League. It's day two here in Peshawar. Aaj ke jo matches hain wo sabse pehla match khela jayega Hazara Warriors aur Tribal Lions ke darmiyan. That's the first match that we'll bring to you. Dusra match khela jayega Mardan Bears aur Bannu Panthers ke darmiyan. Teesre match mein Malakand Tigers aur DI Khan Stallions ki team aamne samne honge, jabki aaj ke din ka chautha aur aakhri match Peshawar Falcons aur Kohat Eagles ke darmiyan khela jayega. A lot to play for at this stage of the tournament. Combox mein mere saath maujood Pakistan hockey international player and sports journalist Ijaz Ahmed Khan sahab. Ijaz sahab, tagde matches hone wale hain, khaas tor pe jo pehla match hai, it's Hazara Warriors versus Tribal Lions, it's going to be a good one. Bilkul, assalamu alaikum nazreen, aur yakeenan bahut acha match hone wala hai aur bahut important bhi hai is hisab se ke agar Hazara aaj win karti hai to wo लाइनअप में रहती है. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हॉट इन द फील्ड हियर. अगर हम आज के मौसम की बात करें तो ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा. इट्स रिलेटिवली हॉटर टुडे, तो प्लेयर्स के स्टैमिना और एंड्योरेंस का भी इम्तिहान होगा आज. आप बात कर रहे थे इट्स एवरीथिंग टू प्ले फॉर, तो पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं. पेशावर फाल्कन्स कल के मैच के बाद पहली पोजीशन पर आ चुके हैं, 6 मैचेस खेले हैं, 15 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं. ट्राइबल लायंस 6 पॉइंट्स 6 मैचेस खेल चुके हैं, 13 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है. कल इनका मैच ड्रॉ हुआ था जिसके वजह से इनको एक पॉइंट मिला. कोहाट ईगल्स की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 13 पॉइंट्स हैं उनके, और बनु पैंथर चौथी पोजीशन पर हैं, उनके 9 पॉइंट्स हैं 6 मैचेस के बाद. हजारा वॉरियर्स आप देख रहे हैं जहाँ साहब पांचवी पोजीशन पर हैं 6 मैचेस के बाद और इनके 7 पॉइंट्स हैं. आप गोल्स फॉर और गोल्स अगेंस्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, बहुत अहमियत कहाँ मिले? बिल्कुल, यकीनन जो एडवांटेज लिया हुआ है पेशावर फाल्कन का, 25 गोल कर चुके हैं और 9 जो है वो उनके अगेंस्ट हुए हैं, तो यकीनन काफ़ी अच्छा आउटकम आएगा इंशाल्लाह इस लीग से. और जो टीमें एफर्ट्स कर रही हैं और जो आज के मैचेस हैं, यकीनन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज के लास्ट लीग राउंड मैचेस हैं और यकीनन काफ़ी डिपेंडेबल है तमाम टीमों के लिए और ख़ासकर हज़ारा वॉरियर्स और फिर ट्राइबल लाइन्स यकीनन जो कि स्लिप हो चुकी है टॉप से और फाल्कन चली गई है. टीमें आ रही हैं ग्राउंड में और लाइनअप तैयार बिल्कुल. दोनों टीमें आज इस मॉर्निंग मैच में हमारे साथ हैं. ट्राइबल लाइन और हज़ारा वॉरियर्स दोनों में इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, दोनों टीमें बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं और आज एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा. हम इस फॉर्मेट से मुतालिक आपको थोड़ा सा बताते हैं. टूर्नामेंट अगर आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो केपी से ताल्लुक रखने वाली 8 टीम्स आपको एक्शन में नजर आ रही हैं. केपी की रीजनल टीम्स हैं जिनमें पाकिस्तान भर के टॉप टैलेंट को ड्राफ्ट करके शामिल किया गया है, विच इज़ वाई वी आर सींग द टैलेंट दैट वी आर सींग इजाज साहब, और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट शोकेस हुआ है यहाँ पर. बिल्कुल, नुमाइंदगी दी गई है जो मज ट्राइबल एरिया है, जैसे ट्राइबल लाइंस को 8 टीम के तौर पे शामिल किया गया है. इसमें प्लेयर्स जो हैं जो हमारे मर्ज एरियाज के हैं, ट्राइबल्स के हैं, उनको भी रखा गया है और उनके साथ एक बंच ऑफ नेशनल सीनियर और नेशनल जूनियर प्लेयर्स हैं. यकीनन जब ये साइड बाय साइड खेलेंगे सो दे आर लर्निंग आउट ऑफ दिस मैच एंड आउट ऑफ ऑल दिस लीग, और यही इस की खूबसूरती है कि जो पूरे तमाम प्लेयर्स को इकट्ठे किए गए हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा उसका जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. ठीक है, वी ऑल सेट बिफोर द फर्स्ट मैच एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी? वी डेफिनेटली आर. और दो टीमें आज आपको जो एक्शन में नजर आने वाली है वो हज़ारा वॉरियर्स और ट्राइबल लाइंस की टीमें हैं. दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक पाई के प्लेयर्स मौजूद और आप थ्रेट पोस्ट करेंगे. हज़ारा वॉरियर्स में अगर बात की जाए टॉप प्लेयर्स की तो रिजवान, उमर भुट्टा, गज़नफर, ये सारे ही क्रूशियल रोल प्ले करते आए हैं. कुछ यंगस्टर्स भी इनकी टीम का हिस्सा हैं. शाहजेब हैज़ बिन वेरी इंप्रेसिव एज वेल. और अगर ट्राइबल लाइंस की बात की जाए, विल कम ऑन टू दैट, हज़ारा वॉरियर्स का पूरा स्क्वाड आपके सामने. अहमद, रिजवान, दानिश, हारिस, उमर भुट्टा, महमूद, फरमान, हमजा, शान, शाहजेब, हसन, गज़नफर, नवीद, हसनैन, उस्मान और खावर भी इनकी टीम का हिस्सा है.
when it comes to Tribal Lions. कल हमने Tribal Lions को action में देखा and they've been very very impressive throughout this tournament. Usman, Nadeem, Osama, Salim, Hassan, Waleed, Yasser, Rana Wahid has been superb. Hamad Anjum, Adil Latif, Afraz, Samuel Haq, Ziyad, Tariq Jamil, Shahriaz, Tawheed Senior. कल का आपको Usman का goal भी याद होगा. He flew in the air, Jasab. बिल्कुल बहुत खूबसूरत गोल था और जैसा कि यानी इतना खूबसूरत टाइम किया उसको और बिल्कुल राइट एज ऑफ द कॉर्नर, तो बहुत खूबसूरत गोल था यकीनन. और दूसरा जो है आपने देखा कि सेंटर लाइन से स्कूप और फिर टैप इन, वो जो क्लास का गोल हुआ. तो यकीनन आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि दोनों टीमें बड़ा अच्छा खेल प्रोड्यूस करेंगी और दोनों टीमें फॉर्म में है और कुछ मुझे कुछ बैलेंस भी नज़र आ रहा है दोनों टीमों का अगर देखा जाए तो, क्योंकि हज़ारा वॉरियर यकीनन फाइट करेगी ट्राइबल के साथ और उनको ये मैच जो है वो जीतना है अगर इन रहना है इसमें. बिल्कुल, ना सिर्फ ट्राइबल वॉरियर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि उनको भी फिर आगे सेमीफाइनल के लिए सही लाइनअप्स चाहिए. टीमें ये भी देखती हैं. आतिफ ने इशारा किया कि मैच को शुरू किया जाए. हज़ारा वॉरियर्स के पास इस वक्त बॉल कम्स ऑन टू रिजवान. रिजवान का लॉन्ग थ्रू पास, इट वॉज ब्यूटिफुली डन और बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ. जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत शान ने ये बॉल और ये उमर बूटा बिल्कुल एज ऑफ द 25 लाइन दानिश के पास और दानिश बीट करना चाहते थे. कैरेडवी फर्स्ट ऑफेंस ऑफ हज़ारा. दानिश बॉल लेंगे, अच्छी बॉल उठी हुई और आउटलाइन से बाहर. यासर खुर्शीद और आतिफ अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं आज के इस मैच में. मीनवाइल बॉल ट्राइबल लायंस के हमाद अंजुम ने पास करना चाही बट उनके रास्ते में दानिश खान मौजूद थे जिन्होंने बॉल को इंटरसेप्ट किया. एक बार फिर प्रेशर एग्जर्ट करते हुए रिजवान पर राना वहीद, बट रिजवान इज रियली टैलेंटेड. उमर भुट्टा हैज बीन इंप्रेसिव थ्रू आउट द टूर्नामेंट एज वेल. बिल्कुल, और बहुत अच्छा महमूद जो है बहुत अच्छी स्किपिंग कर रहे हैं और यकीनन उमर भुट्टा जो है वो सेंटर में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं. डी में बॉल और ख़तरनाक हो सकती है लेकिन अच्छी क्लियरेंस की. दानिश के पास बॉल, शाज़ेब उमर भुट्टा को दिया लेकिन वो रोक ना पाए और साइडलाइन से बॉल बाहर. बहुत क्रूशियल रोल होगा उमर भुट्टा का अपनी टीम के लिए. बिल्कुल, और यकीनन जो यूटिलिटी है आदिल और राना वहीद की वो भी बड़ी प्रोडक्टिव होगी. हम अपने नाज़रीन को जियो सुपर से लाइव दिखा रहे हैं लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में ट्राइबल लायंस और हज़ारा वॉरियर का मौने का ये पहला मैच और यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट. बड़ी अच्छी वन टू और पोजीशन ऑफ बॉल लेने की कोशिश. हम्माद को देना चाहते थे, रोक ना पाए साइड लाइन से. बुटा हसन ने अच्छा इंटरसेप्ट किया. महमूद अच्छी बॉल दी टॉप ऑफ द सर्कल शाज़ेब और लेकिन इंटरसेप्ट की. अब की बार अफराज बॉल को लेकर आगे बढ़े और पास किया हमाद अंजुम को. हमाद अंजुम शोइंग सम पेस हियर और हमाद अंजुम बेहतरीन एंकर रोल प्ले करते आए हैं और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार रहा है हमाद अंजुम का. राना वहीद को वापस किया, एक बार फिर जबरदस्त सपोर्ट रोल प्ले करते आए हैं. एक बार फिर अफराज अब की बार डेंजरस लग रहे हैं. डी के करीब राना अंजुम खिलाना चाहते थे राना वहीद को पर उनको डी थ्रोन किया और क्लियर्ड बाय दानिश देयर पर डेंजरसली. बिल्कुल बिल्कुल फेस पे आई और अच्छा डिसीजन अंपायर का. आदिल
काफी वन टू कर रहे हैं अमाद और अपेश थी रिवर्स फ्लिक के साथ ये क्रॉस इन किया लेफ्ट साइड से। साथ साथ हम एक्शन तो दिखा रहे हैं आपको लाला यूथ हॉकी स्टेडियम से, बट इस एक्शन की भी क्या बात है जी, द सिटी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मीनवाइल उमर भुट्टा जबरदस्त गेम प्ले करते हुए दानिश खान को पास किया, दानिश से बॉल आई शान की तरफ, शान दो प्लेयर्स को डॉज देकर आगे बढ़े, पास किया अच्छा काउंटर राणा वहीद और बहुत अच्छा पास और खतरनाक हो सकता है लेकिन इंटरसेप्ट हुआ, अच्छी इंटरसेप्शन हजारा वॉरियर की, डीप डिफेंडर बुटा काफी यूटिलिटी प्लेयर और बिल्कुल आप देखें बिल्कुल सेंटर में खेलते हैं और फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल, अच्छी बॉल हो सकती थी लेकिन गोल लाइन से बाहर। बिल्कुल वही रोल जो उमर भुट्टा प्ले करते हैं अपनी टीम के लिए, वही असफर याकूब कोहाट ईगल्स के लिए प्ले करते हैं, वही रोल हम अबू बकर को प्ले करता हुआ देखते हैं पेशावर फाल्कन्स के लिए। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी क्रूशियल सीनियर प्रोज। बिल्कुल और यही वजह है कि सीनियर्स के साथ जब ये जूनियर्स खेल रहे हैं सो दे लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस लीग और यही एम एंड ऑब्जेक्टिव इस लीग का कि जूनियर और सीनियर की कॉम्बिनेशन हो और खेलें साइड बाय साइड ताकि इस लीग से उनको सीखने का भी मौका मिलेगा और यकीनन जो ओवरऑल गोल है प्रमोटिंग हॉकी इन पाकिस्तान यकीनन वो थ्रू दिस लीग प्रमोट होगी। फरमान खान की थोड़ी सी टसल हुई, मीनवाइल राणा वहीद ने जल्दी से गेम को दोबारा शुरू किया, उमर भुट्टा वहां पर प्रेशर एग्जर्ट करते हुए और ब्रिलियंटली डन। अदील लतीफ का पास अफराज के पास, अफराज के पास काफ़ी स्पेस है, उन्होंने स्पेस का फ़ायदा उठाया और बॉल को इंजेक्ट करना चाहा सीधा डी के अंदर जहां हमाद अंजुन ने बॉल को कलेक्ट किया, डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हुए। बिल्कुल ये पहला पेनल्टी कॉर्नर है और यकीनन ये प्रोडक्टिव भी हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छे ये देखें बहुत खूबसूरत सी से गए बिल्कुल कॉर्नर और ये देखें कैरेट और डिसाइड किया हुआ था कि पेनल्टी कॉर्नर लेना है, यही एक्चुअल एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि आप डिसाइड कर लेते हैं। आज ट्रैवल लाइंस के लिए अमजद की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी वो रोल कौन लेता है क्योंकि कल भी हमने अमजद की स्टिक से एक शानदार गोल होता हुआ देखा था। मीनवाइल यासिर वहां पर मौजूद है, अमाद अंजुम भी बॉल रुकी, यासिर कम्स फॉर इट एंड स्कोर्स द गोल, कभी महसूस नहीं होने दी यासिर ने आज अमजद की और पहला पेनल्टी कॉर्नर मिलते ही गोल स्कोर किया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल बहुत खूबसूरत टाइम किया और आप देखें कि गोलकीपर जो है वो मिस जज कर गए, ये देखें एक्शन रिप्ले रुकी और बहुत तेज़ी के साथ फोर्सफुल और गोलकीपर जो है वो उनके बिल्कुल पाँव के बीच में से बॉल गई, बिल्कुल वो पैड नहीं कर सके इसको और मिस जज किया, देखें देखें बिल्कुल ऐसा लगा उनके पैर फंस गए थे जमीन में, बिल्कुल एक्सेलेंट चिपक गए थे और ये एक अच्छा गोल और बहुत अच्छा टाइम किया यासिर ने। I can't wait for Hazara Warriors to get a penalty corner because Rizwan ko action mein dekhna chahta hu, mere favorite deck breaker ban gaye hain wo is tournament mein ek baar fir bilkul agar aap dekhen overall unki height bhi dekhen aur bahut acha time karte hain especially Rizwan aur bade acche goal kiye hain Rizwan ne do hat trick kar chuke hain aur yakeenan bahut acha role hai inka overall as a full back or as a striker। शान शान को रोका भुट्टा के पास और भुट्टा ने टैप करना चाहा, इंटरसेप्ट हुई लेकिन अंपायर का इशारा कि ये कैरेड है। भुट्टा राइट साइड से बहुत खूबसूरत अच्छी बॉल दी महमूद को, कैप्टन है आदिल, आदिल
हमाद 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 अच्छा टैप किया, उसामा है, अदील को दोबारा बॉल दी और ऊपर देखा और ये उसामा के पास बॉल, खतरनाक हो सकती थी ये दानिश। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक और ट्राइबल लायंस के लिए कि अपनी बर्तरी को मजीद बढ़ा सकें। इट वाज अ गुड पास बाय अदील, काफी नपातुला पास था, उसामा बैकस्टिक से इसको रोकना चाहते थे, नाकाम रहे। फेटल एरर, एक बार फिर अदील लतीफ के पास बॉल, एक और थ्रू पास अदील का सीधा राणा वहीद के पास, और जब जब इनके पास बॉल आती है फुर्ती का मुजाहरा करते हैं, दो तीन प्लेयर्स उनके इर्द गिर्द मौजूद, लेकिन सबको डॉज देकर डी के अंदर दाखिल हुए। क्लास है इस लड़के की, बहुत बहुत तेजी के साथ जाते हैं और यकीनन जो मैन्यूवरिंग ऑफ बॉल है वो बहुत खूबसूरत है, और यही वजह है कि बिल्कुल जैसे ही बॉल इनके पास आती है बिजली की तरह ये जाते हैं। और काउंटर अटैक बिल्कुल अनदेखे, यासिर अदील के पास बॉल, अफराज हमाद हमाद अंजुम अच्छा बॉल दिया, चेक किया दानिश जी। दानिश आपकी बात नहीं हो रही थी, दानिश राइट ऑफ खेल रहे हैं हजारा वॉरियर के लिए, और बनू से ताल्लुक है, इनके वालिद भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं अमीर जाहिर शाह। अच्छा थ्रू बॉल देने की कोशिश, बट इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंडर्स वहां पर मौजूद। एक बार फिर सर उठाया, बॉल पास की उमर भुट्टा को, उमर भुट्टा कैन ही क्रिएट सम मैजिक, यस ही डज, बट शाहजेब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द तीन चार डिफेंडर्स मौजूद हैं। आप देखिए कितना जबरदस्त अपनी गोल पोस्ट के इर्द गिर्द पहरा बिठाया हुआ है ट्राइबल लाइन्स ने। बिल्कुल बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, और आप देखें कि अदील जो है वो पीछे अपने डिफेंडर्स के साथ मीट कर रहा है प्लेयर्स को, और फीड भी कर रहा है साथ साथ में, अदील को पीछे इन्होंने रखा हुआ है। राणा वहीद, राणा वहीद, और कॉर्नर की ये डॉच करने की कोशिश, हमाद अंजुम, राणा वहीद, अदील, राणा वहीद, राणा वहीद, अच्छा इंटरसेप्शन, भुट्टा के पास बॉल, और भुट्टा ने शाहजेब को, शाहजेब अच्छे अपकमिंग यंग खिलाड़ी शाहजेब, और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल है भुट्टा की। बिल्कुल, ही इज गॉट क्विक फीट, ही इज गॉट क्विक हैंड्स, शाहजेब की बात हो रही है। मीनवाइल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हजारा वॉरियर्स की जानिब से, लेकिन बड़ा जबरदस्त पहरा लगाया हुआ है, इसको कहीं ना कहीं अपसेट करना होगा हजारा वॉरियर्स को। उमर भुट्टा कैन डू दैट, चलाक हॉकी प्लेयर है उमर भुट्टा। बिल्कुल यकीनन उमर भुट्टा की यही कोशिश है कि किसी तरह उनको रोका गया, और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर, जैसे कि कोशिश कर रहे थे, और यकीनन अभी आप देखेंगे रिजवान को इन एक्शन। आई जस्ट कैन नॉट वेट फॉर दिस, रिजवान इज सच एन इम्प्रेसिव ड्रैग फ्लिकर, देखते हैं किस स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। एक बार फिर देखें आपके सामने जो हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ये देखें भुट्टा को रोका और इंटेंशनली, और यही वजह है कि अंपायर ने ये इशारा किया पेनल्टी कॉर्नर का, पहला पेनल्टी कॉर्नर हजारा वॉरियर्स को। बट बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स अ पेनल्टी कॉर्नर, वाज इट अ वेरी रफ टैकल, क्योंकि शोल्डर टू शोल्डर टैकल की तो इजाजत होती है। हाँ थोड़ा सा है, लेकिन ये है कि ये इनसाइड 25 एरियाज है, और उमर भुट्टा की इंजेक्शन, हियर कम्स रिजवान एंड दैट्स गोल नंबर 1, और आपकी प्रेडिक्शन इज प्रूव्ड एंड रिजवान प्रूव्ड हिमसेल्फ अ वेरी वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव गोल। देखें एक्शन रुकी और बहुत खूबसूरत, और डिफ्लेक्ट हुई गोलकीपर से इनटू द राइट कॉर्नर। रिजवान की ब्यूटी है कि ही इज रियली रियली टॉल, ही यूजेस दोज लॉन्ग हैंडल्स ही हैज एज आर्म्स एंड क्रिएट्स दैट फोर्स। एक बार फिर ड्रॉप काउंटर की तरफ जाना चाहते हैं ट्राइबल लायंस के फॉरवर्ड,
बिल्कुल, आपने देखा दानिश बहुत फोर्सफुल थी और डिफ्लेक्ट होके सीधा राइट कॉर्नर में ये गोल किया और इस तरह एक एक हजारा वॉरियर एक और ट्राइबल लाइन एक। बड़े कांटेदार मुकाबला और बुट्टा की कोशिश, बड़ी अच्छी फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दानिश को बॉल दी राइट साइड पे और दानिश डॉच करना चाहते हैं कैरेट, और यकीनन दोनों टीमों की यही हिकमत अमली कि किसी तरह ब्रेकअप किया जाए और इस मैच को जीता जाए। बुट्टा हसन मीनवाइल अच्छी डिफेंसिबिलिटीज का मुजाहिरा कर रहे थे, इससे पहले भी हसन ने जान मारी। मीनवाइल अदी लतीफ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लॉन्ग पास फील्ड को खोला फरमान खान एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, बॉल को पास किया, वहां पर महमूद मौजूद है, बॉल जी के अंदर खतरा हो सकता है, शाज़ेब ट्राइंग टू बैटल इट आउट, अच्छे लेकर गए थे और यकीनन खतरनाक अंजुम हमाद अंजुम डाच करना चाहते थे और बुट्टा दानिश आज अच्छा खेल खेल रहे हैं राइट साइड से और बुट्टा के साथ फुली कंबाइन रिजवान आ गया है और कैरेट। यकीनन दोनों टीमों की हिकमत अमली काफी पैक खेल रहे हैं लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दोनों ने एक एक गोल किया और इस तरह ये मैच अभी तक पहले क्वार्टर में बराबर, हजारा वॉरियर एक ट्राइबल लाइंस एक। हमाद अंजुम अदील को बॉल दी, स्कूप किया और अ बिट टू एम्बिशियस फ्रॉम अदील, थोड़ा सा ज्यादा पुश कर गए, बिल्कुल लाइन के सामने खड़े थे, बिल्कुल अफराज साथ थे, अगर वो उधर टैप इन करते राइट साइड पे तो ज्यादा बेहतर होता। और इस तरह ये पहला क्वार्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा, ट्राइबल लाइन एक, हजारा वॉरियर एक और दोनों ही पेनल्टी कॉर्नर पे। पहला गोल यासर ने पेनल्टी कॉर्नर पे ट्राइबल लाइंस के लिए किया और उसको इक्वलाइज किया रिजवान ने, बहुत खूबसूरत गोल रिजवान का और फोर्सफुल ये गोल था पेनल्टी कॉर्नर पे। Exactly what we expected. This is how the match started. बहुत ज़्यादा insane pace नज़र नहीं आई लेकिन उसके साथ साथ solid moves ज़रूर हमें नज़र आए, पक्के moves नज़र आए दोनों टीमों की दानिश से। ऐसा लगता है कि दोनों टीमें strategy लेके आई हुई हैं, D के अंदर दाखिल होना है, pressure exert करना है, penalty corner हासिल करना है। दोनों टीमों की strengths में penalty corner specialist लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि अगर आउटफील्ड की बात की जाए तो ज़्यादा प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल और पोजीशन ऑफ बॉल जो है वो हज़ारा वॉरियर के साथ रहा और उमर भुट्टा यूटिलाइज़ करते रहे अपने राइट साइड से। और यही जो पहला पेनल्टी कॉर्नर देखें, उमर भुट्टा ने राइट साइड से लिया, वही जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे और फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गोल किया रिजवान ने, बहुत फोर्सफुल डिफ्लेक्ट हुई गोलकीपर के पैड से और सीधा राइट में। ये शाज़ेब को एक अच्छा चांस मिला था लेकिन मिस कर दिया और वो झुके नहीं बॉल के पीछे। तो इस तरह ये पहला क्वार्टर अपने ताम को